नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मीराबाई के पदों को कई भागों में बांटा है। आज मैं सबसे पहले आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के एक पद का सस्वर वाचन प्रस्तुत करूंगा। फिर इसके बाद मैं इस पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के पदों पर वीडियो बनाते वक्त मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप मीराबाई के अन्य पदों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के पद का सस्वर वाचन प्रस्तुत कर इस पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के एक पद का सस्वर वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा मीराबाई जी के एक पद का सस्वर वाचन। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू, खर्ची भाव भगती जागरी पास्यू तीनों बाता सरसी। आइए अब मैं उपर्युक्त पद्य खंड का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस पद को मैं एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करता हूं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू, खर्ची भाव भगती जागरी पास्यू तीनों बाता सरसी। आइए अब मैं उपर्युक्त पद खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहाँ पर बतलाने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ विद्यार्थियों से भी अनुरोध करता हूँ कि उपर्युक्त पद खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसे आप कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ याद करने की भी कोशिश करें ताकि जब भी आप इस पद को पढ़ें आपको अर्थ समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, श्याम यानी श्री कृष्ण महाने
यानी हमें या मुझे चाकर यानी नौकर या दास या सेवक या सेविका, गिरधारी लाल यानी श्री कृष्ण, रहस्यों यानी रहूंगी, लगास्यों यानी लगाऊंगी, नित यानी रोज या प्रतिदिन, दर्शन पास्यों यानी दर्शन या दर्शन पाऊंगी, चाकरी यानी वेतन, बिंद्रावन यानी वृंदावन, री यानी की, कुंज यानी पत्तों से बनी कुटिया, गोविंद यानी श्री कृष्ण, लीला यानी विविध रूप विविध कार्य, गास्यूं यानी गाऊंगी, चाकरी यानी नौकरी, सुमरण यानी स्मरण, खर्ची यानी जेब खर्च या दैनिक खर्च की राशि, भाव भक्ति यानी भावनापूर्ण भक्ति, जागरी यानी संपत्ति या दौलत, तीनू यानी तीनों, बाता यानी तीनों बातें, सरसी यानी पूरी हुई। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयिता भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में प्रभु श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई जी का समर्पण भाव अपने चरम उत्कर्ष पर वर्णित हुआ है। आइए अब मैं उपर्युक्त पद का व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या: श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, हे प्रियतम, हे गिरधारी लाल, हे गिरधर नागर, आप मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका बनकर भी अपने जीवन को धन्य समझूंगी, अतः आप मुझे अपनी सेविका बना लें। चाकर रहस्यूं, बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे तुम्हारी सेविका बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें तुम प्रतिदिन विहार कर सकोगे, अर्थात जिसमें तुम प्रतिदिन विहार करोगे। इसी बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे यानी आपके अपूर्व रूप सौंदर्य का दर्शन कर सकूंगी। यही नहीं, मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में प्रभु श्री कृष्ण की लीला का गाने गाऊंगी, अर्थात मैं वृंदावन की कुंज गलियों में तुम्हारी लीलाओं का गान करती फिरूंगी।
चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू खर्ची भाव भगती जागरी पास्यू तीनों बाता सरसी। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी चाकरी करने पर मुझे तीन तरह का सुख प्राप्त होगा। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर प्राप्त होगा, अर्थात आपकी दासी बनने पर वेतन के रूप में मुझे आपके दर्शन हो जाया करेंगे, तथा दैनिक खर्च के रूप में मुझे नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है कि नाम स्मरण का अवसर मिल जाएगा, भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी, अर्थात आपके प्रति मेरी भक्ति भाव ही मेरी एकमात्र जागीर होगी। मैं तो जन्म जन्म से आपके दर्शनों के लिए लालायित रहती हूँ, तरसती रहती हूँ और आज भी तरस रही हूँ। अतः हे प्रभु, आपकी दासी या सेविका या नौकरानी बनकर दर्शन स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएगी, अर्थात यदि मीरा प्रभु श्री कृष्ण की चाकरी करती है या प्रभु श्री कृष्ण की दासी बनती है तो मीरा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी या मीरा को सबसे अधिक लाभ यह होगा कि वह यानी उन्हें अर्थात प्रभु श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से पा सकेगी, वह भक्ति के तीनों रूप अपना सकेगी, वह नित्य उनके दर्शन कर पाएगी, उनका नाम स्मरण कर पाएगी और भाव भक्ति कर पाएगी। इस प्रकार उसके जीवन की सबसे बड़ी कामना पूरी हो जाएगी। अर्थात मीराबाई अंत में कहती है कि हे प्रभु, यदि उसे प्रभु श्री कृष्ण की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वह उपरोक्त तीनों सुख को आसानी से प्राप्त कर सकेगी। अतः प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के समक्ष नौकरानी या दासी या सेविका बना लेने का अनुरोध किया है और अपने जीवन को मीरा उनकी सेविका उनकी दासी बनकर धन्य करना चाहती है। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को प्रकट किया है। यह पद मूलतः स्तुति प्रार्थना का पद है जिसमें मीराबाई ने भक्ति के तीनों रूपों का वर्णन करती हैं। प्रभु श्री कृष्ण की दासी बनने पर वह नित्य उनके दर्शन करेगी, उनका नाम स्मरण करेगी और भाव भक्ति कर पाएंगी। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को कई नामों से संबोधित किया है, जैसे श्याम, गिरधर या गिरधारी लाल, गोविंद आदि। भाषा ब्रज तथा राजस्थानी मिश्रित है। भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और सरल है। भाषा संगीत, लय और छंद के अनुरूप ढली हुई है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है, अतः लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष और भी सुंदर और भी आकर्षक तथा छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।